हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू पारुल्स क्विज़िन। देखो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे की पापड़ी, जो कि एक स्वीट डिश होती है और ये बनाने में बहुत इजी होती है। विद इन 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। जिसके लिए हमने लिया है गेहूं का आटा आधी कटोरी से ऊपर, घी सेम अमाउंट ऑफ गेहूं का आटा और आधी कटोरी ऑफ जैगरी गुड़। चलो हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने पैन को गैस के ऊपर रख दिया है। गैस को शुरू करते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम हाई फ्लेम पे रखना है। अब इसमें हम घी डाल देंगे। पैन गरम ऑलरेडी हो गया है। अब हम गेहूं का आटा लेंगे और घी ऑलरेडी गरम हो गया है तो उसमें गेहूं का आटा हम डाल देंगे। मैंने इस प्लेट में घी लगा के ग्रीस कर दिया है, जो कि हम पापड़ी बनेगी तो हम इसमें जमा देंगे। ये गेहूं के पापड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये बनाने में बहुत ही इजी होती है। और यदि आपको कुछ मीठा खाने का मन करे, घर में कुछ नहीं हो, तो ये बस 3 चीजों से ही बन सकती है, जो कि घी, आटा और गुड़। अब आप इसमें देख सकते हो आटे का कलर चेंज हो गया है और इसमें अच्छी फ्रेग्रेंस भी आ रही है, तो इस समय पर हम इसमें गुड़ मिला देंगे। मैंने गुड़ को बारीक पीस लिया था। आप चाहो तो इसके टुकड़े भी डाल सकते हो, अपने आप पिघल जाएगा। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ गया है और वो गुड़ भी इसमें पिघल गया है। बस पिघलने तक ही हमको भुनना है इसको, फिर उसको निकाल देना है। ये ऑलमोस्ट बन के तैयार है। देखो फ्रेंड्स, गुड़ मिलाने के बाद में इसका कलर कितना चेंज हो गया और ये बन के रेडी हो गया। बस हम उसको प्लेट में निकाल देंगे। बस मैं इसको जमा रही हूँ। इसको जमने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस 10 मिनट और लगेंगे और ये बनके पूरी तरह से तैयार है। मैंने इसके पीसेस कर दिए हैं। अब हम इसमें गार्निशिंग कर देंगे। ये देखो कितनी क्रंची और कितनी सॉफ्ट बनी है, आप अंदर से देख सकते हो। ये खाने में बड़ी मजेदार लगती है और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने गेहूं से बनाई है। बहुत ही स्वादिष्ट, आप एक बार जरूर ट्राई करना, इस बहुत ही अच्छी बनती है ये। दियो कैसी बनी है? मस्त मैम, बहुत क्रंची बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत बढ़िया। यू गाइस शुड ट्राई।